So, hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ बेचारी पूर्वी की तो भैंड बजी हुई थी, लिटरली पूर्वी की टांगे कांप रही थी जब उसे पता चलता है कि 4 दिन में ही उसकी शादी है, वो भी उसके प्यार के साथ नहीं बल्कि प्यार के बड़े भाई के साथ। सोचो बेचारी पूर्वी पे क्या बीत रही होगी। पूर्वी टेंशन के मारे इधर से उधर पूरे रूम में घूम रही थी। और वहाँ दूसरी तरफ सच कहूँ तो अदिति ने भी नाटक किया था कि वो सो रही है, वो खुद बहुत परेशान लेटी थी और बस यही सोच रही थी, ओ गॉड ये क्या कर रहे हो आप? आप चाहते हो ना, अच्छे से जानते हो ना आप मैं मेरे मिस्टर पी को कितना ज़्यादा चाहती हूँ, उनके बिना नहीं जी सकती। अरे मेरा तो सपना है उनसे शादी करना, उनकी वाइफ बनना, पर आप उन्हें मेरे ही भाई की ऐसे क्यों कर रहे हो आप? उसे तो बोला तक नहीं जा रहा। आई नो इस टाइम पूर्वी पे क्या बीत रही होगी। आई एम सॉरी पूर्वी, पर आई विश हमारे पास कोई और ऑप्शन होता। अदिति उठ के बह जाती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि एक तरह से वो भी ये सब नहीं चाहती थी, वो तो खुद मिस्टर पी से शादी करना चाहती थी, अरे उनकी दुल्हन बनना चाहती थी। पर शायद नसीब में कुछ और ही था, किस्मत में कुछ और ही था। बेचारी अदिति इतनू सा मुँह सुझा के बैठी थी और वहाँ दूसरी तरफ पूर्वी का तो हाल बेहाल था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। पूर्वी पूरी रात नहीं सोती, इधर से उधर भटकती रहती, आत्माएं की तरह पूरे घर में भटक रही थी क्योंकि उसे कहीं भी चैन नहीं आ रहा था। रूम में जाए तो दम घुटता बाहर आ जाता, बाहर जाए तो फिर रूम से बाहर, बस यही कर रही थी। तभी पूर्वी की मम्मा उसे इस तरह घर में भटकते हुए देख लेते हो कि देख क्या ये आत्मा की तरह आधी रात में भटक रही है, नींद नहीं आ रही तुझे? पूर्वी बोलती माँ अगर नींद आ रही होती तो बेड पे होती ना मैं। उसकी माँ बोलती होता है लड़कियों के साथ शादी से पहले ऐसा होता है। पूर्वी बोलती माँ मैं क्या सोच रही थी, इतनी इतनी जल्दी भी क्या है, हाँ मंगनी कर लेते ना, अभी इंगेजमेंट कर लेते हैं, 4 दिन में शादी कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा, मतलब आपको नहीं लगता कि इट्स टू अर्ली? हाँ उसकी माँ बोलती कोई जल्दी नहीं हो रही है, चुपचाप बैठ दूँ और अब मैं तेरी कोई बात में नहीं आऊँगी, कोई बात नहीं सुनूंगी, चांद सो जा चुपचाप। बेचारी पूर्वी मुंह लटका के रूम में आती है क्योंकि माँ के आगे तो उसके चलने नहीं वाली थी। पूरी परेशान बैठी बस यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, प्लीज़ गॉड जी प्लीज़ कोई रास्ता दिखा दो यहाँ से भागने का, इस शादी से भागने का कोई ऑप्शन तो होगा ना। पूर्वी दिमाग लड़ाती है पर दिमाग में उसका दर्द करने लगता है, उसका सर फट रहा था दर्द से लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पूर्वी अब आराम से लेट जाती है क्योंकि वो वॉक कर के इधर उधर भटक भटक के भी थक चुकी थी। लेटते हुए भी उसके दिमाग को सुकून नहीं आता, उसका दिमाग चल रहा था कभी यहाँ कभी इस थॉट में कभी उस थॉट में, बस यही चल रहा था। वहाँ तब अदिति भी कहती है मिस्टर पी आई वांट टू टॉक टू यू। पूर्वी बोलती है तुम जग रही हो, मुझे लगा तुम सो गई। अदिति बोलती आर यू सीरियस, आपको लगता है मुझे नींद आ सकती है? पूर्वी बोलती अब क्या चाहती हो तुम, मैं क्या करूँ, जो बोल रही हो उसके लिए हाँ कर तो दिया है मैंने। अदिति बोलती प्लीज़ यार अब तो ऐसे कह रहे हो जिसे मेरा सपना यही था, आप भी अच्छे से जान दो मेरा सपना आपसे शादी करने का था। पूर्वी बोलती तो करो ना फिर। अदिति बोलती और रही मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है, आपकी मम्मा उनका क्या? पूर्वी चुप हो जाती है क्योंकि अदिति की बात में सच्चाई तो थी। और फिर ये दोनों ही रोने लगते हैं क्योंकि पूर्वी ये शादी करना नहीं चाहती थी और अदिति भी अपनी आँखों से उसके मिस्टर पी को किसी और का नहीं होने देना चाहती थी, फिर चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप अपने पार्टनर को किसी के साथ बांट नहीं सकते, किसी के साथ भी नहीं, फिर चाहे अगला पर्सन आपका भाई ही क्यों ना हो। अदिति की बैंड बजी पड़ी थी सोच सोच के। और फिर रोते रोते ये दोनों ही सो जाते हैं। अगले दिन अदिति को उसकी मम्मा जगाते हैं, उठो तुम्हें कॉलेज जाना है। अदिति साफ मना कर देती है, वो कहती है आज तो जाना है ना शॉपिंग के लिए। उसकी माँ बोलती हाँ तो तेरी शादी थोड़ी है, तुझे साथ लेके जाए, चल 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 तेरे कॉलेज का कोई ऑफ नहीं होगा, वैसे भी तूने पहले बहुत ऑफ किया, चलो जल्दी से भागो उठो। अदिति बोलती मुझे नहीं पता मैंने साथ आना है। तभी उसके भाई आ जाते हैं, कहते माँ ये ठीक कह रही है ये साथ चलेगी। उसकी माँ बोलती है तूने इसे बिगाड़ रखा है। अदिति बोलती माँ प्लीज़। जिस पर उसकी माँ बोलती अच्छा ठीक है। अब अदिति की मम्मा वहाँ से चली जाती है, अदिति का मुँह सूजा हुआ था। उसका भाई बोलता अब क्या हुआ? अदिति बोलती माँ ने सही कहा मेरी शादी तोड़ी है मेरे मिस्टर पी से, तो आप शादी कर रहे हो। उसका भाई बोलता तुम तो ऐसे बुरी हो जैसे मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। अदिति बोलती आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, आप अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। उसका भाई बोलता तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं, उस दिन हालत देखी थी मैंने तुम्हारी।
अदिति चुप हो जाती है। वो अपने भाई को अच्छे से जानती थी, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी इन सब चीज़ों से और अपने भाई पे ही गुस्सा निकाल रही थी। वेल, फिर अरविंद काफ़ी समझदार लड़का होता है यार, मैं कहती हूँ इतना अच्छा लड़का, इतना समझदार, इतने अच्छे से वो दीदी को समझाता है ना कि मेरी बहन रिलैक्स हो जा, सब प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा और तेरी ही शादी है, तू चल। तो अदिति को इस तरह समझा समझो के रेडी करवाता है। अदिति फिर रेडी होती है और ये लोग पूर्वी के शहर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी घंटों के ड्राइव के बाद फाइनली ये लोग पूर्वी के घर पहुंच गए थे। रास्ते में इन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब लंच टाइम होने ही वाला था। पूर्वी बोलती है कि मैं लंच बना देती हूँ, पर वो कहते हैं नहीं नहीं इतना टाइम नहीं, हमने वापस भी जाना है, शॉपिंग के लिए चलते हैं, वहीं कहीं बाहर खा देंगे। तो पूर्वी की मम्मा बोलती है हाँ ठीक है, वैसे भी टाइम बहुत कम है, आप लोगों ने वापस भी तो जाना है। और फिर ये लोग बस 10-15 मिनट घर पर बैठते हैं, फिर ये लोग निकल पड़ते हैं। यहाँ पूर्वी का बड़ा मन कर रहा था कि वो अपनी कार में जाए, सॉरी अपनी बाइक में जाए, वो भी अदिति के साथ। लेकिन उसके मामा बहुत ही अब थोड़ी शादी होने वाली लड़कियों वाली हरकत कर, चुपचाप कार में बैठ अपने अरविंद के साथ। पूर्वी का तो मुंह सुलझा था। तभी अदिति बहुत ही मुझे ना कार में अच्छा नहीं लगता, तो मैं बाइक पर जाऊँगी। पूरी मुस्कुराता कहती है ठीक है। पूर्वी हेलमेट लेके आती है, दोनों हेलमेट पहनते हैं, पूर्वी अपनी बाइक स्टार्ट करती है और फिर अदिति जो है वो पूर्वी के साथ उसके बाइक पे बैठती है। पूर्वी की मम्मा बोलती है लड़की कभी नहीं सुधरेगी। और फिर अदिति की मम्मा, अरविंद और पूर्वी की मम्मा ये तीनों कार में थे और रास्ते में शादी की सारी बातें बातें चल रही थी। अरविंद खुद इन सब बातों से फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि उसके लिए ये शादी मायने नहीं रखती थी, उसके लिए सिर्फ एक एक गेम थी। एक जैसे इंसान अपनी बहन को कोई टॉय ला के देता है ना, उसके लिए सेम वैसा था कि ठीक है ये मेरी बहन का टॉय है जो मैंने उसको ला के देना है, बस इसके लिए वो ये सब कर रहा था। और उसने अपने माइंड में पूर्वी के लिए कुछ भी नहीं सोच रखा था, नथिंग, क्योंकि वो जानता था पूर्वी सिर्फ अदिति की और अदिति सिर्फ पूर्वी की। वेल, यहाँ पूर्वी और अदिति बाइक पे थे इसीलिए वो लोग इधर उधर कार से कटवट करते हुए दूर चले जाते और कार पीछे रह जाते हैं। यहाँ पूर्वी बहुत तेज बाइक चलाते हैं, ये लोग एक कैफ़े में आ जाते हैं। अदिति का मुंह सूजा हुआ था, पूर्वी उसे चॉकलेट दे दिया। अदिति बोलती आपको लगता है मैं बच्ची हूँ जो चॉकलेट देख के उछलने लगूँगी। पूर्वी अदिति के हाथों पे किस करती हुई थी, जान प्लीज़, आप भी जानती हो ना हमारे हाथ पे कुछ नहीं है। जिस पर अदिति बोलती हम सॉरी, आई नो आप ही उतनी वरीड हो जितनी मैं, शायद मुझसे भी कहीं ज़्यादा। पूर्वी अदिति के हाथों पे किस कर दे, कहती आई लव यू सो मच, मैं हमेशा आपकी रहूँगी। अदिति बोलती और मैं भी। और फिर अदिति भी पूर्वी के हाथ पे किस कर दिया। यहाँ पूर्वी के मामा और बाकी सब जो होते हैं वो पहुँच गए होते हैं लोकेशन पे जिस मॉल में इन्हें जाना था। अब ये लोग नहीं आए थे इसलिए इन्हें बार बार गौर कर रहे थे। पूर्वी तो कॉल ही पिक नहीं करती, अदिति कॉल पिक कर लेती है। उसकी मामा चिल्लाती है कहाँ हो तुम, अभी तक पहुँचे क्यों नहीं, तुम्हें तो हमसे पहले पहुँच जाना चाहिए था। जिस पर अदिति बोलती हाँ माँ हम बस आ रहे हैं। अदिति कॉल करते कहते जाना पड़ेगा। पूर्वी बोलती ओ गॉड क्या कोई और ऑप्शन है, अदिति बोलती फिर पूर्वी अदिति का हाथ होल्ड करती है ठीक है और फिर बाहर आ जाते हैं। जहाँ पूर्वी बाइक चलाती है अदिति पूर्वी को काफ़ी टाइट होल्ड करके बैठी थी, इतना टाइट जैसे से लग रहा था पूर्वी उससे अभी दूर जाए कि बस उसे रोक रही थी। तभी पूर्वी थोड़ी बाइक की स्पीड कम करती थी, जान थोड़ा लूज पकड़ो ना पेन हो रहा है, अदिति बोलती सॉरी। और फिर अदिति अच्छे से होल्ड करके बैठते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग कार अपनी सॉरी बाइक पार्क करते हैं, देन मॉल के अंदर चले जाते हैं और फिर पूरे मॉल में लोग घूमने लगते हैं, शॉपिंग करने लगते हैं। अब यहाँ अदिति की जो मम्मा होती है ना वो कहती अरे यार यहाँ पे तो कुछ अच्छा नहीं है, किसी अच्छी सी जगह जाना पड़ेगा, कुछ काम कहीं नहीं है। तो पूर्वी की मामा बोलती है हाँ एक शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है और वो ना ब्राइडल ड्रेसेस की है, तो मुझे लगता है हमें पहले वहाँ विजिट कर लेना चाहिए एंड ग्रूम के कपड़े भी वहीं मिल जाएंगे। जिस पे ये सब रेडी हो जाते हैं। अब ये लोग उस शॉप पे जाते हैं, वहाँ बहुत प्यारी प्यारी ब्राइडल ड्रेसेस थी। अदिति की नज़र तो एक ड्रेस पर अटक ही जाती है। पूर्वी अदिति का हाथ होल्ड करती है अच्छा लगा आपको, अदिति बोलती हम पूर्वी बोलती तो हम हमारी शादी पर यही पहनेंगे। अदिति मुस्कुराने लगते थे, उन्हें एक दूसरे को देख रहे थे। तभी पूर्वी की मामा देख लेती है, वो कहती पूर्वी यहाँ आओ। पूर्वी कहती हाँ माँ। उसके मामा बोलती अदिति के साथ कम चिपके करो, अरविंद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है अदिति नहीं। अब ये सुनते ही पूर्वी का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। पूर्वी बोलती क्या माँ, मैम अदिति मेरी फ्रेंड है, मैं उसके साथ रहूँगी। मैं तब बोल के फिर से अदिति के साथ चली जाती है। ये लोग अपनी शॉपिंग करने लगते हैं।
पर वे एक ड्रेस पसंद करते हैं और वो ब्राइडल ड्रेस था। अदिति बोलते आपको अच्छा लग रहा है? पूरी बोलती तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। अदिति बोलते पर शादी मेरी नहीं आपकी है। पूरी कहते जान प्लीज़ बार बार मुझे याद मत दिलाओ। अदिति बोलते सॉरी। तभी पूर्वी की मामा बुलाती है तो ये लोग चले जाते हैं। यहाँ पूर्वी की मामा ने और अदिति के मामा ने एक ब्राइडल ड्रेस पसंद किया था, वो काफ़ी अच्छा था पर पूर्वी के टाइप का नहीं था। लाइक पूर्वी और वैसे कपड़े नेवर। अदिति देखते कहती अब पूर्वी ऐसे कपड़े नहीं पहनती, आपको तो पता है ना आंटी। तभी पूर्वी की मामा बोलती हाँ पर अपनी शादी पर सब लड़कियाँ ऐसे ही पहनती हैं, इतना भारी टहंगा। अब बेचारी पूर्वी अदिति को देखते, अदिति का मुँह तो बंद हो जाता है, वो कुछ बोलती नहीं है। पूरी बोलती माँ मुझे अच्छा नहीं लगा। उसकी माँ बोलती बेटा बहुत अच्छा, अब तुम बंद रख और जा ट्राई करके। पूरी बेचारी लहंगा उठाए चेंजिंग रूम में जाती है, अदिति भी उसके पीछे पीछे। पूर्वी अंदर जाती है, ऑफकोर्स उससे नहीं हो रहा था, वो पहन नहीं पा रही थी, वो लहंगा संभाल नहीं पा रही थी। पूरी बोलती अदिति अंदर आओ ना। अदिति अंदर जाती है और बस पूर्वी को देख के हैरान हो जाती है। पूर्वी तो लहंगे में भी बहुत बहुत कमाल लग रही थी। फिर अदिति पूर्वी को देख मेरा ब्लाउज तो अदिति फिर सब सेट करती है एंड पूर्वी को देखते देखते वाह अब बहुत प्यारे लग रही हो, मुझे लगता मेरी ही नज़र लग जाएंगे। पूर्वी बोलती कुछ भी मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा है। अदिति बोलती क्या करे आपकी मम्मा ने बोला है तो। पूरी बोलती देख लिया ना अपने, अब मैं उतार रही हूँ। अदिति बोलती मुझे नहीं अपनी मम्मा को दिखाओ। अदिति बाहर चली जाती है क्योंकि उसका मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। पूर्वी बाहर आती है तो उसकी मम्मी कहती आओ मेरी बेटी की इसकी नज़र ना लगे और उसकी नज़र वज़र उठाने लगते हैं। अदिति की मम्मा बोलती आओ पूरी बेटे तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे। और फिर वो भी नज़र उतारने लगती हैं और अरविंद को कहती है अरविंद कुछ पैसे देना। अरविंद बोलता है क्यों माँ? उसकी माँ बोलती है देना। अरविंद का मुंह दूसरी तरफ होता है तो अरविंद ऐसे पॉकेट में हाथ डालता है, पीछे टर्न होता है, वो पूर्वी को देखता है। वाव अरविंद का मुंह भी फटाका फटा रह जाता है, उसने पूर्वी को पहली बार ऐसी ड्रेसेस में देखा था और पूरी सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी। यहाँ अरविंद जो है वो पैसे देखने लगता है। तभी अदिति अरविंद के वॉलेट ले ली थी और मतलब उसका पर्स ले ली थी और खुद ही उसमें से कुछ पैसे निकाल के पूर्वी के पास जाती है और ऐसे पैसों को वारने लगते हैं पूर्वी के ऊपर से। यूँ अच्छे से मतलब सर से लेके पाँव तक किसी नज़र उतारते ना, यार ये मूड सच में बहुत क्यूट था। पूर्वी ब्लश कर रही थी और फिर पूर्वी की मामा बोलती अरे वाह देखो तुम्हारी ननंद उनसे कितना प्यार करती है, कैसे तुम्हारी नज़र उतार रही है, ऐसी ननंद तो भगवान सबको दे। अब बेचारी अदिति का मुँह फिर से ख़राब हो जाता है, उसका मुँह लटक जाता है। बातें जो यहाँ ऐसी चल रही थी। वेल उसके बाद ये लोग थोड़ी और शॉपिंग करते हैं, अरविंद के लिए भी ड्रेस व्रेस ले लेते हैं क्योंकि 4 दिन में शादी थी तो आज इन्हें ड्रेस वगैरह लेने ही थे, तो ये लोग ड्रेसेस वगैरह ले लेते हैं। दूल्हा दुल्हन के हो गए होते हैं। अब अदिति की मम्मा कहती है अदिति तुम भी अपने लिए कुछ देख लो, पर अदिति का मूड इतना ख़राब था कि वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देखती, वो एक नुक्कड़ में जाके बैठ जाते हैं। यहाँ पूर्वी अदिति के लिए ड्रेस लेती है, मैचिंग ज्वेलरी मतलब सब कुछ पूर्वी उसके लिए लेती है। और उसके बाद सबको बहुत भूख लगी थी, शाम क्या रात होने को आई थी, तो ये सब लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं। लंच उनका स्किप हो ही गया था। ये लोग जाते हैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, पूर्वी और अदिति दोनों फ्रेश होने चले जाते हैं। अदिति का मुंह लटका हुआ था, अदिति फेस वॉश कर रही थी, तभी पीछे से पूर्वी उसे हक कर लेती। अदिति बोलती छोड़ो मुझे। पूर्वी बोलती जान प्लीज़ अपना मूड ख़राब मत करो ना। अदिति बोलती आपके साथ जाके आपकी शादी की शॉपिंग करवा के आ रही हूँ, फिर भी कह रही हो मूड ख़राब मत करो अपना। पूर्वी अदिति के नेक पे किस करती है, आई लव यू। अदिति बोलती पूर्वी बोलती जान प्लीज़ मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, एटलीस्ट मेरी तरफ देखो तो सही। तो अदिति टर्न होती है पूर्वी की तरफ देखती, इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है और पूर्वी आँखों में अदिति को बता रही थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और मुझे भी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और पूर्वी अदिति के होंठों पे किस कर लेती हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है, वॉशरूम में भी आता है, पूर्वी तुरंत पीछे हो जाती है और यहाँ कोई और नहीं बल्कि पूर्वी की मम्मा आती, पर थैंक गॉड उन्होंने कुछ देखा नहीं था, ये दोनों बच गए थे। पूर्वी की मम्मा कहती इतना टाइम कौन लगाता है, और फिर वो भी फ्रेश होती हैं, फिर ये तीनों साथ में बाहर आते हैं। डिनर आ चुका था तो लोग अपना डिनर इन्जॉय करते हैं। डिनर करने के बाद अब अदिति की मम्मा जो होती है ना वो कहती है कि एक काम करते हैं आप लोग को घर ड्रॉप कर देते हैं, देन हम अपने घर चले जाएंगे। पूर्वी की मम्मा बोलती है कि रात बहुत हो गई है तो टाइम लगेगा जाने में, एक काम करो आप यहीं स्टे कर लो, वैसे भी आधी शॉपिंग हुई है आप लोग को फिर आना पड़ेगा।
जिस पे वो कहती कोई बात नहीं हम कल आ जाएंगे, वो कहती आने जाने में इतना टाइम चले जाएगा, पहले हमारे पास टाइम नहीं है, तो बहुत इंसिस्ट करते हैं। तो बेचारी अदिति के मम्मा थोड़ा सोचते हैं, देन वो हाँ कर देते हैं। उसके बाद ये सब इकट्ठे ही पूर्वी के घर चले जाते हैं। यहाँ पूर्वी के मम्मा जो होती हैं वो पूर्वी को बोलती है कि एक अलग रूम दे दो ना भाई, ये लोग वहाँ रह लेंगे। जिस पे पूर्वी बोलती हैं एक काम करते हैं, आंटी और अरविंद एक रूम में रह लेंगे और अदिति मेरे साथ रह लेगी। जिस पे अदिति की मम्मा बोलती है ठीक है, सॉरी पूर्वी की मम्मा बोलती है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। पूर्वी तुरंत जाके गेस्ट रूम अच्छे से सेट वेट कर देती है। देन अरविंद और आंटी को कहते हैं कि आप लोग आइए, आपका रूम मैंने सेट कर लिया। तो वो लोग रूम में जाते हैं। यहाँ अरविंद पूर्वी को देखता है, पूर्वी काफ़ी मतलब उसे जब लहंगे में देखा था ना तो उसे काफ़ी चेंज लगी थी, अब काफ़ी चेंज। तो पूर्वी जब जाने लगते हैं तो अरविंद बोलते हैं वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही थी जब तुम उस ड्रेस में थी। जिस पे पूर्वी टर्न होकर अरविंद को घूरती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। पूर्वी के मन में आने लगते हैं कहीं अरविंद मुझे पसंद तो नहीं करने लगा, ये तो जानता है ना कि शादी एक समझौते है और कुछ नहीं। यहाँ पूर्वी यही सोचते सोचते अपने रूम में आती है, थोड़ी नर्वस थी। तभी अदिति बोलती क्या हुआ आप कुछ सोच रहे हो? पूर्वी बोलती तो अदिति पूर्वी को हक कर देती है मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। पूर्वी अदिति को हक कर लेती है हाँ जान मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को हक करके बैठे रहते हैं और फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अदिति पूर्वी को किस कर रही थी, उसके करीब जा रही थी, पूर्वी उसे रोकती है थी क्या कर रहे हो बगल वाले रूम में ही मम्मा है। अदिति बोलती हम अलग रूम में कोई नहीं आएगा, या पापा मेरे पास आना ही नहीं चाहते। पूर्वी बोलती जान ये क्या बात है? अदिति बोलती आप अच्छे से समझ रही हो मेरी बात। अदिति बाहर जा रही थी नाराज हो गया, तो पूर्वी उसे बैग करते किस करते कहती जान ऐसी कोई बात नहीं है, अब कलर सोच रहा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अदिति बोलती मुझे तो ऐसे नहीं लगता। पूर्वी अदिति को मनाने के लिए उसे किस करती है, फिर उसे अपनी बाहों में भर के बेड पे लेटाती है। फिर पूर्वी को याद आता है मैंने लॉक किया नहीं, तो पूर्वी लॉक कर देती है। धन अदिति के करीब आती है, उसे किस करने लगती है और यहाँ इन दोनों के बीच थोड़ा रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। यहाँ दूसरे तब पूर्वी की मम्मा ना वो अपने रूम में लेटी थी और तभी उठ के ना आती है पूर्वी के रूम के बाहर जोर जोर से नॉक करती है। पूर्वी तुरंत दरवाज़ा खोलते हैं, उसके मम्मा कहते तुमने लॉक क्यों किया था? पूर्वी बोलती माँ वो अदिति चेंज कर रही थी। उसकी मम्मा बोलती अच्छा सुनो फिर एक काम करो जाके अदिति की मम्मा से और अरविंद से पूछो ना कुछ चाहिए तो नहीं। पूर्वी बोलती माँ ने कुछ चाहिए होगा तो वो बोल देंगे ना। कहते बेटा जाके पूछो अच्छा नहीं लगता कैस टाइम हो, और एक काम करो वो ना खुद से कुछ भी नहीं बोलेंगे तो तुम उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेके जाओ। पूर्वी बोलती है ठीक है। फिर पूर्वी थोड़े कुछ स्नैक्स वगैरह लेके जाती है और हम वहाँ अरविंद से पूछते हैं भाई आपको कुछ चाहिए तो नहीं, तो अरविंद कहता है कि मुझे बस एक कप कॉफ़ी चाहिए, वो असल में मेरी आदत है रात में कॉफ़ी पीने की तो बेचैनी हो रही है। पूर्वी बोलती है ठीक है। पूर्वी कॉफ़ी बनाने जाती है, यहाँ अदिति वेट कर रही थी इतना टाइम हो गया अभी तक पूर्वी क्यों नहीं आई। तो अदिति बाहर आती है, उसे किचन से आवाज़ आ रही थी पूर्वी की, तो वहाँ चले जाती है क्या कर रहे हो आप? पूर्वी बोलती है जान कॉफ़ी बना रही हूँ। अदिति बोलती किसके लिए वहाँ तो कॉफ़ी नहीं पीते। पूर्वी बोलती वो अदिति बोलती ओ तो अरविंद भाई के लिए। पूर्वी बोलती अदिति बोलती हटो मैं बना दूँ। पूर्वी साइड हो जाती है, अदिति कॉफ़ी बनाने लगती है। तो पूर्वी उसे बैक हक करके उसके नेक पे किस करते हुए बातें करने लगते हैं। अदिति का मूड थोड़ा ख़राब था तो पूर्वी उसका मूड ठीक करने लगता है। यहाँ अरविंद आ जाता है और वे सब देख लेता है, वो कुछ कहने आया था पूर्वी से पर बिना बात किए ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ कॉफ़ी बनने के बाद पूर्वी कॉफ़ी देने जा रही थी पर अदिति बोलती छोक के मैं देख के आती हूँ, माँ से कुछ बात भी करनी है। अदिति जाती है अपनी माँ से कुछ बात करनी तो उसे वो करती है, देन कॉफ़ी दे के वापस आ जाती है। और इस बार ना ये दोनों रूम लॉक नहीं करते हैं और बस ऐसे ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अदिति बोलती है आई लव यू सो मच। पूरी बोलती आई लव यू टू जान। अदिति बोलती मेरा तो सोच सोच के ही मन बैठा जा रहा है। पूरी बोलती आई नो जान मेरा भी यही हाल है। अदिति बोलती 3 दिन आज का दिन तो वैसे ही ख़त्म हो गया। पूरी बोलती प्लीज़ मत सोचो, मुझे ना पक्का पता है हम दोनों कभी बिछड़ नहीं सकते, देखना कुछ ना कुछ करिश्मा ज़रूर होगा। अदिति बोलती मुझे नहीं लगता, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। अदिति पूर्वी को हक करके रो रही थी। पूरी अदिति के फेस को यूँ होल्ड करते उसके आंसुओं को पोंछते उसके फॉरहेड पे किस करते हैं। जान जब दो लोग एक दूसरे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते, देखना हम दोनों भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। पूर्वी इतना बोल के अदिति के फॉरहेड पे किस करते हैं, फिर अदिति के चिक्स पे किस करते हैं और उसके बाद पूर्वी अदिति के होंठों पे किस करते हैं। यहाँ
अदिति की भी आंखें बंद थी और पूर्वी की भी। ये दोनों ही बस एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी रूम का दरवाज़ा खोलता है और यहाँ कोई और नहीं बल्कि आई थी पूर्वी की मॉम, और वो इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। ओ माय गॉड, अब आगे क्या होगा? यानी कैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या पूर्वी की मॉम इस बात को बढ़ाएंगी? क्या वो पूर्वी और अदिति को अलग कर देंगी? कहीं वो अरविंद के साथ भी रिश्ता जो जोड़ा था उसे तोड़ ना दें इन दोनों की सच्चाई जानने के बाद? वैसे आप लोगों को क्या लगता है यार, कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।